नमस्कार। एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर टॉट्स में मैं डॉक्टर पूजा चिंपा, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से। आज टॉट्स में हम पढ़ेंगे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब स्वेच्छा से किए गए कार्य। दूसरे अर्थों में हम इसको ये कह सकते हैं कि हम अगर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई नुकसान उठाने को तैयार होते हैं तो कानून की नज़र में वह नुकसान नहीं होगा, यानी उस नुकसानी के लिए हम दावा नहीं कर सकते कि हमें क्षति हो गई। तो इसको हम लीगल टर्म में कहेंगे कि स्वेच्छा से उठाई गई क्षति क्षति नहीं होती। दूसरे अर्थों में हम समझते हैं इसको कि वादी की सहमति से यदि कोई कार्य किए जाते हैं तो वह कानून की नज़र में क्षतिकारी नहीं होंगे, इसलिए ये एक्शनेबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से उठाई गई हानि कभी भी लीगल इंजरी नहीं होती है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि कोई गेम हम खेलते हैं, समझिए क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर उसमें हमें कोई चोट पहुंचती है तो हम उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वह नुकसान हमने स्वेच्छा से उठाया है। और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे हमने कोई ऑपरेशन करवाना है हमें, तो उसमें जैसे पहले डॉक्टर कंसेंट लिखवा लेता है, तो यानी कि वह हमारी मर्जी से किया जा रहा है। उस ऑपरेशन में अगर हमें अन्य कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदारी सभी हमारी होगी, हम डॉक्टर पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे फेमस केस है स्मिथ बनाम बेकर। स्मिथ वर्सेस बेकर में माननीय न्यायालय ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छा निर्णायक होता है, और यदि वह जानबूझकर कोई खतरा मोल लेता है तो कानून की नज़र में वह क्षति नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसके कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इन कंडीशंस में हम नहीं कह सकते कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यानी कि स्वेच्छा से उठाई गई क्षति है और इसलिए इसको क्षति नहीं मानेंगे, यह नहीं कह सकते। किन कंडीशंस में हम यह नहीं कह सकते, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है कि सहमति अगर स्वतंत्र नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। सहमति हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए, और अगर सहमति स्वतंत्रता से नहीं दी गई है तो वह सहमति मानी ही नहीं जाएगी। सहमति को कब हम स्वतंत्र नहीं कहेंगे, जब वह दबाव द्वारा या किसी बाहरी प्रभाव के प्रयोग से सहमति प्राप्त करने की कोशिश की गई है। तो इसमें भी तीन पॉइंट्स हैं कि सहमति स्वतंत्र कब नहीं मानी जाएगी। हम देखते हैं, जब क्षति का भय दिखाकर सहमति ली गई है, फर्स्ट पॉइंट, कंसेंट अंडर फियर ऑफ इंजरी, जहां सहमति किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचाने का डर दिखाकर ली गई है तो उसे हम सहमति नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि तथ्यों के भ्रम से अगर सहमति ली गई है, मिसकंसेप्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो उसको भी हम कहेंगे कि वह सहमति नहीं ली गई है। तो इसका एक बहुत फेमस केस लो है आर वर्सेस विलियम्स। इसमें 16 साल की एक लड़की को उसका म्यूज़िक टीचर कहता है कि आवाज़ को आपके सुधारने के लिए मैं एक काम करता हूँ, तो ऐसा वो करके वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करता है, और उस लड़की को उस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो हम यह कहेंगे कि यह बालिका ने अपनी सहमति दी, लेकिन तथ्यों के भ्रम में
मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा उससे सहमति ली गई थी तो यह सहमति नहीं मानी जाएगी। एक सहमति का एक पॉइंट और है कि यदि किसी बच्चे से या पागल से या नशे में किसी व्यक्ति से अगर सहमति ली जाती है तो वह भी सहमति नहीं मानी जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स, सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर स्वतंत्र नहीं है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा कि स्वेच्छा से क्षति उठाई गई है। इसका सेकंड पॉइंट है कि अवैध कार्यों के लिए सहमति नहीं दी जा सकती। यानी गैर कानूनी अगर कार्य है तो उसके लिए अगर सहमति से भी कार्य किया जा रहा है तो भी सामने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि फर्स्ट पर्सन की सहमति ले ली गई थी, क्योंकि कंसेंट किसी गैर कानूनी कार्य को भी कानूनी नहीं बना सकता है और कोई भी व्यक्ति अपराध करने की अनुमति दूसरे को नहीं दे सकता है कि चाहे वह अपराध उसके उसके ऊपर ही किया जा रहा हो, उसके विरुद्ध ही किया जा रहा हो। वह यह नहीं कह सकता कि आप मेरे विरुद्ध क्राइम करने के लिए स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है कि असावधानी वाले कार्यों में भी यह नियम लागू नहीं हो सकते, यानी उपेक्षा के कार्य। अगर कोई व्यक्ति नेग्लिजेंट है तो वह यह नहीं कह सकता कि सामने वाले ने इसकी सहमति दे दी थी और उसने वह स्वेच्छा से कार्य किया। इसका बहुत फेमस केस वो है जॉन वर्सेस हैमिल्टन का। इसमें एक लेडी किसी मोटरसाइकिल के ड्राइवर से लिफ्ट लेती है और वह ड्राइवर नशे में था, सॉरी मोटर कार के कार के ड्राइवर से लिफ्ट लेती है और वह नशे में था और इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और उस महिला को चोट पहुंचती है। तो उसके द्वारा केस किए जाने पर ड्राइवर की पक्ष की तरफ से यह तर्क लिया जाता है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कि स्वेच्छा से उसने उठाई थी क्षति उठाने की, स्वेच्छा से उसने सहमति दी थी। लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर ड्राइवर नशे में था तो उसकी नेग्लिजेंसी साबित होती है और किसी भी नेग्लिजेंट एक्ट में यह बचाव नहीं लिया जा सकता। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बचाव के कार्य, रेस्क्यू केसेस। बचाव के कार्यों में भी स्वेच्छा क्षति उठाई गई थी यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि कोई अगर कर्तव्य पालना में यह कार्य कोई करता है कि किसी को बचा रहा है तो वह कर्तव्य करने के लिए स्व मजबूर होता है, उसका कर्तव्य पालन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे वह करना ही होता है। इसलिए उस कार्य में अगर उसे क्षति पहुंचती है तो हम यह नहीं कह सकते कि उसने स्वेच्छा क्षति उठाई थी। इसका बहुत फेमस केस लो है हेंस वर्सेस हारूड का। इसमें एक घोड़ा गाड़ी थी सड़क पे खड़ी थी और कोई बच्चों ने घोड़ों पे पत्थर फेंक दिए थे जिससे वो बिदक के भाग सड़क पे भागने लग गए। तो एक पुलिसकर्मी था, उसने उस बैलगाड़ी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की तो उस दौरान उसे चोट पहुंची। तो यह कार्य उसने अपने अन्य व्यक्तियों के बचाव में किया और उसमें उसे क्षति पहुंची तो हम कहेंगे कि वह नुकसानी प्राप्त करने के लिए हकदार होगा और प्रतिवादी यह नहीं कह सकता कि उसने स्वेच्छया हानि उठाई थी। इसका एक लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि खतरे का सिर्फ ज्ञान होना ही सहमति नहीं होता है। यानी
खतरे का ज्ञान होना और सहमति देना दो अलग अलग बातें हैं। सहमति यानी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया और ज्ञान यानी साइंटी नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित नहीं है, यानी सहमति ज्ञान पर आधारित नहीं है। मतलब सिर्फ खतरे का ज्ञान होने से ही खतरा उठाने की सहमति नहीं मान ली जाती है। इसका स्मिथ वर्सेस बेकर केस लो है, जो कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का भी बेसिक फेमस केस लो है, लीडिंग केस लो है। इस केस में क्या होता है, एक पत्थर तोड़ने के कारखाने होते हैं, तो उसमें क्रेन से भारी भारी पत्थर ले जाए जाते हैं और नीचे श्रमिक काम करते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि उनके ऊपर से पत्थर ले जाए जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त पत्थर ले जाए जाते हैं उस वक्त मालिक की ओर से कोई सिग्नल या कोई सूचना उनको नहीं दी जाती कि वह सावधान हो, और जनरली ले जाए जाते हैं और लाए जाते हैं। और एक दिन एक पत्थर क्रेन से गिर गया और वादी क्षतिग्रस्त हो गया, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि सिर्फ खतरे का ज्ञान होना खतरे का सहमति नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा खतरे की सूचना वादी को नहीं दी गई थी, इसलिए वादी नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब स्वेच्छा से उठाई गई हानि हानि नहीं मानी जाएगी, और उसके लिए अगर वादी केस करके नुकसानी प्राप्त करता है तो प्रतिवादी इस सिद्धांत का बचाव ले सकता है और वह उसमें सफल होता है। और हमने इसमें पांच अपवाद भी देखे कि किन अपवादों में यह नियम लागू नहीं होगा। थैंक यू।